वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंगल और आप हैं अपने ही चैनल पर सिंपल लिविंग एंड आई टेकिंग विद रिंगल जैन। गाइस आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज मैं अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ, एक मेरी सिस्टर इन लॉ लगती हैं, उनके कुछ फंक्शन है उनके यहाँ, तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं वॉच करी हो तो आपको आई कार्ड में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप वहां से वॉच कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से वॉच कर सकते हो। तो गाइस ये व्लॉग मैं आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ जा रही है दिया और मैंने आज यहाँ पर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है जस्ट, और ये कार्डियन पहना है। मैंने कुछ भी सिर्फ लाइनर लगाया हुआ है और लिपस्टिक तो मैं रेड लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैं आज मतलब मैं लेट हो गई थी। उन्होंने मुझे 2 बजे बुलाया था बट 4:30 हो गए, तो सॉरी वो गुस्सा करेंगी, वो कुछ मुझे ज्यादा ही मानती हैं इस वजह से। मतलब मुझे सुबह ही उन्होंने कल भी कह दिया था, जिन दीदी की मैरिज है उन्होंने भी मुझसे परसों ही कह दिया था उन्होंने, और आज उनकी मम्मी ने कह दिया, तो कुछ ज्यादा मानती है, मुझे कुछ ज्यादा प्यार करती है, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज आप लोगों को और सबको पता है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग पूरा व्लॉग वॉच करिएगा और बने रहिए मेरे। तो गाइज अभी आज है नेक्स्ट डे और मैंने सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। जस्ट अभी मैंने दवाई खाई है 1 घंटे पहले, तो मेरी अब थोड़ी सी तबीयत सही है। तो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, जो मैंने सुबह बर्तन वगैरह साफ़ करे थे मैं उनको लगा रही हूँ, और इधर मैं चाय बना, जो सुबह घी निकाला था उस भगोनी में उसको गर्म कर रही हूँ ताकि जो चिपका हुआ घी है वो भी साफ़ हो जाए। उसमें मैंने चलनी भी डाल दी है ताकि उस पर जो चिपका हुआ घी है वो भी साफ़ हो जाए। इधर मैं बर्तन लगाती जा रही हूँ और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चाउमीन खाई है क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे, मेरी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था सुबह, अचानक से पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी मुझे फीवर आया। काम मैं जस्ट बर्तन साफ वगैरह कर रही थी, काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा, सर में दर्द, उल्टियाँ होने लगी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ मैं इतना आराम नहीं करती। फिर मैं सो गई 12 बजे, शाम को उठी तब मेरे हस्बैंड वगैरह आए, उन्होंने चाय वगैरह बना के पिलाई और दूध दवाई वगैरह दी, चाउमीन वगैरह लेके आए ताकि मेरा जो मुँह कड़वा सा हो गया था वो सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर बर्तन बर्तन मेरी लग चुकी है और जो मैंने भगोनी साफ़ करी थी घी की वो भी मैं एकदम रख दे रही हूँ और उसको अच्छी तरह से धो दे रही हूँ। और अभी आ गए थे एक दूध वाले भैया, तो मैंने वो गांव से दूध देने आए थे, तो गांव से दूध आता है हमारे यहाँ, तो मेरे हस्बैंड बनाने वाले थे रात में हलवा, इसके लिए उन्होंने गांव से दूध मंगाया था। और मेरी इधर चाय बन गई है, अब मैं चाय पीऊँगी। और इधर मेरी बेटी देख रही थी कि मैंने क्या कराया भाई दूध का, तो देख रही थी, तो यही मैं काम कर रही थी आज। हे गाइस वेलकम अगेन, गुड आफ्टरनून। और अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैंने जो परसों व्लॉग स्टार्ट करा था वो परसों मैंने शूट नहीं करा, मतलब मैं वहाँ शादी में चली गई थी। उसके बाद हुआ ये कि मैं अपना फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, तो मैं फ़ोन अपना घर पे छोड़ गई थी। और मैंने जिन भाभी के फ़ोन में वीडियोस बनाई थी उन्होंने अभी तक मुझे वो दी नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर मिल गई तो मैं आपके एंड में डाल दूंगी। और काफ़ी मस्ती तो हमने करी थी वहाँ पर, वो लोग मुझे काफ़ी मानते, खाना वाना भी खिलाया है और काफ़ी प्यार वाई करते हैं। फिर कल मेरी वहाँ से, परसों मैंने फ्रिज वगैरह साफ करा था, उसकी वीडियो आपने वॉच करी ली होगी, नहीं करी है तो आप एंड स्क्रीन में मिल जाएगा लिंक, उसका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद कल मेरी इतनी तेज मुझे फीवर आया, इतना तेज फीवर आया कि मुझे, मैंने पहले तो मुझे लगा ऐसे नॉर्मल ही है, मैंने बर्तन साफ करे, मेरे बर्तन साफ करने में मन नहीं लग रहा, चेहरा बहुत भारी भारी सा हो गया। उसके बाद
शरीर बहुत तेज गर्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद पोछा भी लगा दिया, काम सारा कर दिया, फिर मुझे फीवर आ गया। फिर मैं मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सो गई। उसके बाद मैं शाम को 3 बजे उठी, काफी बेचैनी हो रही, तो मुझे 2-3 बार तो वोमिटिंग ही हो गई। और उसके बाद मैंने क्या, वोमिटिंग होने के बाद हाँ, फिर मेरे हस्बैंड आए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड दवा लेकर आए, और दवा मैंने खाई, और दवा खाने के बाद काफी थोड़ा सा रिलीफ मिला। और मैंने कल कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे को मतलब मुंह कड़वा सा हो जाता है ना, फीवर आता है तो कड़वा सा हो जाता है, तो मेरा जो मुंह था वो कड़वा हो गया। उसके बाद मैंने खाना तो नहीं खाया, फिर वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाउमीन लेकर आए, ताकि मेरा मुंह चटपटा। तो कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत तेज सर्दी हो गई वापस से, और धूप भी निकली थी तो बहुत बहुत तो स्लो। और मैं नीचे भी जस्ट काम करके फ्री होके आई हूँ, पोछा वोछा लगाया। आज मैंने बनाई एक वीडियो बनाई थी किचन क्लीनिंग की, जो कि शायद कल आएगी, और आज नहीं आ पाएगी। आज मैं ये ब्लॉग ही डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आज मॉर्निंग में कोई भी ब्लॉग नहीं डाला, तो देखती हूँ ये ब्लॉग डालती हूँ आज की नहीं डालती हूँ। और उसके बाद मैंने सारा जो काम करा घर का, और उसके बाद मैंने कल चाउमीन खाई। उसके बाद मैंने हाँ, फिर रात में मेरे हस्बैंड ने, मैंने कुछ भी नहीं खाया खाना, तो मेरे हस्बैंड ने गाजर का हलवा बनाया था, बहुत टेस्टी हलवा बनाया था। बहुत वो हर खाने की जो इतनी टेस्टी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाया वो दिया उन्होंने मुझे। और मतलब मैं तो बेड पे लेटी थी, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने काफी मेरी सेवा करी, बहुत। मेरे हस्बैंड काफी काफी केयर करते हैं। और उसके बाद वो उन्होंने आलू फ्राई करते हैं चटनी के साथ, वो दिए, और हलवा दिया, और वहाँ, और आज सुबह वो मेरे लिए कचौड़ी लेकर आए। तो आज तो मैं ठीक हूँ, बट कल मुझे बहुत तेज फीवर आया था, और आज फिर कल रात में कचौड़ी लेकर आए वो मेरे लिए, सॉरी सुबह कचौड़ी लेकर आए। और कल रात में यहाँ पर इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, फिर मैंने आज आज मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मैं मम्मी आज मैं किचन की सफाई करती हूँ। मेरी सासू माँ कहती है, नहीं हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, आप तुम्हारे घर की सफाई मत करो, क्योंकि मतलब अभी सर्दी काफी चल रही है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना सर्दी हो रही है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही, और काफी सारा फॉग भी आने के चांसेस है। कल तो इतनी बारिश हुई, रात के 2 बजे से सुबह तक बारिश हुई है यहाँ पर। और तो मेरे सास ने बिल्कुल मना कर दी, लेकिन वो चली गई। उसके बाद मैंने फिर से किचन की सफाई करी दी, तो अभी फाइनली मैं काम से फ्री हूँ। फिर अपनी बेटी को नहलाया और उसे खाना खिलाया, सारा जो काम हो जाता है वो मैंने सारा कर ही दिया। उसके बाद और जब वो आएंगी तो शाम को डांटेंगी तो डांटती रहे, पर पता मेरी क्या आदत है, अगर कुछ भी चीज गंदी गंदी दिख रही है ना, तो मुझे सुबह से शाम हो जाए, लेकिन बिना सफाई करे मैं हटूंगी नहीं, पूरी सफाई करूंगी तभी निकलूंगी वहां से। गंदगी मुझे पसंद नहीं आती, तो फिर इसी वजह से उन्होंने मना कर दी थी सासू माँ ने कि तुम सफाई मत करना, क्योंकि अभी तो मैं कल फीवर आया था, तो इसलिए उन्होंने फाइनली मना कर दी थी। और उसके बाद हाँ, एक बात जो मुझे इम्पोर्टेंट बतानी थी, परसों जब मैं गीतों में गई थी, भगवान जी के गीत थे, हमारे यहाँ 2 गीत होते, भगवान जी के पहले होते हैं, तो वो जो गीत थे उसमें एक लेडीज आई थी। लेडीजों की तो आदत होती है वैसे भी पंचायत करने की, इधर की बुराई उधर की बुराई, इस घर की बुराई उस घर की बुराई, अगर कौन कौन मेरे साथ है कि लेडीज है ऐसी बात, ऐसा ही काम करने के लिए। गीत तो सिर्फ एक बहाना होता है, बस सिर्फ क्या होता है, इधर की बुराई करना उधर की बुराई करना, यही होता है। और मैं इसीलिए इन गीतों वगैरह में नहीं जाती, मुझे पसंद नहीं है ऐसी पंचायत करना। और पता सोच सोच के तो मैं सोचती हूँ कि आज की जनरेशन आएगी तो वो ऐसा नहीं करेगी, तो ये मेरी गलत फहमी है। पता आज की जनरेशन भी इसी तरह की, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ पता क्या क्या चाहिए होता है, जहाँ अच्छा होगा ना, जहाँ अच्छे काम की चीज होगी वहां उनका मन नहीं लगता, और उन लोगों के साथ उनका मन लगता है जहाँ, अरे उसके घर में ये हो रहा था तुझे पता है, अरे उसके घर में ये हो रहा था, अरे तुझे नहीं पता उसकी बहू ऐसी है, तुझे नहीं पता उसकी सास ऐसी है। मतलब कुछ लड़कियों को भी इस तरह के लोग पसंद है, बट मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं ना, मुझे ऐसे लोग कभी पसंद आते हैं, मेरे उन लोगों से कभी नहीं बनती जो इधर की बुराई करते हैं। और काफी लोगों को तो बस ये, और जहां पर ये चीजें नहीं होती ना, वहीं पर लोग ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, मर मुझे ऐसे जहाँ पर फालतू के पंचायत नहीं थे, मुझे वहीं पर अच्छा लगता है। तो वहां पर अभी लेडीज आई, और पता क्या हुआ, वो लेडीज ही लेडीज की बुराई करना शुरू कर देती हैं। पता है क्या क्या कह रही थी, कि आजकल की लड़कियां है ना, मायके में काम कर लेती हैं, ससुराल में काम नहीं करती हैं। अब ये बताओ, उसमें लड़कियों में तुम्हारी लड़की भी तो आती है, इसका मतलब तुम्हारी लड़की भी मायके में काम करती थी, तुम्हारी लड़की भी ससुराल में काम नहीं करती है, यही तो बोलना चाह रही हो आप? उसके बाद वो बोली कि
कि एक सिटी की बोल रही थी वो, कि एक सिटी में 8 लड़कियां यहाँ पर आ गई हैं, मतलब वापस अपने मायके आ गए। तो एक बात बताइए, क्यों कह रहे थे पहले के जमाने में लड़कियां ऐसे घर छोड़ छोड़ के नहीं आती थी? बात सही है आपकी कि वो लड़कियां छोड़ के नहीं आती, क्यों वहीं पर उन्हें मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, जला दिया जाता था। बेचारी पे कपड़े नहीं है, फटी कपड़ी साड़ी पहने तो साड़ी फटी ही पहनी है, बेचारों पर ढंगे कपड़े नहीं है तो भी बेचारे नौकरों से बदतर जिंदगी रखी जाती थी पहले की लड़कियों की। लेकिन आज की लड़कियां आवाज उठाती हैं, आज की लड़कियां उतने अपने पैरों पर खड़ी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सहन करें। और फिर देख बात ये बात है, गलती गलती जिसकी होती है इंसान को वो सहन करता है, जिसकी गलती नहीं है वो सहन नहीं करता। और बोल रही थी कि जिनके मायके वाले हैं ना हमेशा सपोर्ट करते हैं, मतलब हमेशा फोन कर देते हैं, कोई भी बात हो तो अपने मायके वाले फोन कर देती हैं, तो उन लोगों के घर में ज्यादा गैस होती है। तो एक बात है, तो गार्जियंस या पेरेंट्स या मम्मी पापा भी तभी सपोर्ट करते हैं जब तो हमारी लड़की में कोई गलती ना हो। अगर मेरे में कोई गलती नहीं है तभी मेरे मम्मी पापा मेरी सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो सपोर्ट कैसे करेंगे? मेरे में गलती नहीं होगी तभी तो सपोर्ट करेंगे, और मेरे में गलती हो तो कैसे सपोर्ट करेंगे? मतलब ऐसे ऐसे बोल रही थी जैसे कि उनकी तो कोई लड़कियां है ही नहीं है, जैसे कि वो तो खुद एक लड़की है ही नहीं, वो तो एक जो बीच के होते हैं ना, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ना लड़के होते ना लड़कियां होती, बीच के जो होते गे, उनमें क्यों ऐसे लोगों से तो गे बोला जाए भाई, अच्छा ऐसे लोग तो किसी भी प्रजाति में नहीं आते, क्योंकि ना तो वो लड़का होते हैं और ना वो ये लड़की होते हैं, ऐसे लोग तो गे ही होते हैं। तो बोले वहां की लड़कियां आज के लड़कियों को सहन करने की शक्ति नहीं है, तो यार वो क्यों सहन करें? आज इतना वो सहन करती है तो इतना सहन कराया जाता है उनसे। अगर उनसे ये बोल, अगर वो ये कहता है यार छोड़ो हम नहीं करेंगे, हम ही कर लेते हो, तो फिर उनसे पता दूसरा काम भी नहीं करने देंगे वो, उनको तीसरा भी काम नहीं करने देंगे, तो ऐसा ही होता है। तो औरतों पर सिर्फ ये नहीं सोचते कि हमारी भी लड़की है, ये दुनिया गोल है, लौट के अपने ऊपर भी आती है। इसी वजह से हमें कभी किसी लड़की की या किसी की नहीं सोचनी, क्योंकि हमारी भी एक लड़की, मैं कभी किसी लड़की की बुराई नहीं करती, ना किसी बहू की बुराई करती, ना किसी सास की करती, बिकॉज ऑफ यू, मतलब मेरी भी बेटी है, बिकॉज ऑफ माई डॉटर, क्योंकि मेरी लड़की है। देखिए आज मेरी लड़की, अगर भगवान ना करे कभी उस किसी लड़की के साथ, जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बुरा होता है, उसमें जरूरी नहीं उस लड़की की गलती हो, लड़कों की भी गलती होती है, ये नहीं कहती मैं सभी लड़कों की गलती होती है, कुछ लड़कियों की भी होती है, कुछ लड़कों की भी होती है, पर हर जगह लड़कियां ही गलत नहीं होती हैं। मैं अपनी बेटी को सोच के कभी किसी लड़की की बुराई नहीं करती, क्यों? क्योंकि हम किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। वो लेडीज जो पंचायत कर रही थी ना, उनको एक लेडीज ने झाड़ भी दिया था, मतलब एक लेडीज ने कह दी थी हर जगह लड़कियों की गलती नहीं होती, कुछ लड़कों की भी गलती होती है, पहले की लड़कियां दब जाती थी, आज की लड़कियों को दबती नहीं है, बस यही फर्क है, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड है। पहले की लड़कियां तो बेचारी यहाँ सोचती थी कि हम कहाँ जाएंगे, अगर मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया तो हमें रोटी कैसे मिलेगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, पर आज की लड़कियां नहीं सोचती हैं, वो कहती है तू क्या मेरे को कमा के देगा, तू 20,000 कमाता है, मैं 40,000 रुपए कमाने की औकात रखती हूँ, तू क्या 20,000 कमाता है, मैं 40,000 रुपए कमाने की औकात रखती हूँ, इसलिए वो सहन नहीं करती हैं। और गार्जियंस भी उसके सपोर्ट करते हैं जिनमें कमी नहीं होती है। तो गाइज ये वीडियो में अभी देखती हूँ कहाँ तक कंटिन्यू करूंगी, और मैं अभी जाऊंगी नीचे और चाय बनाऊंगी, और बना सोच रही हूँ उपमा बनाने की। तो चलिए फिर उपमा खाते हैं आप लोगों के साथ, और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो फिर चलिए नीचे मेरे साथ। तो मैं अभी आ चुकी हूँ नीचे किचन में, और मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और इधर मैं करने वाली हूँ उपमा बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, और इसको इसमें मैं सूजी कर रही हूँ रोस्ट, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सूजी रोस्ट कर लूँगी, जिससे थोड़ी सी जो उपमा बनने में कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पर गैस जला दी है, बिल्कुल डिम कर दी है, बिल्कुल लो कर दी है, और मैं सूजी को पल पल पर चलाती रहूँगी, नहीं तो सूजी जल्दी लग जाती है, तो मैं सिर्फ पल पल पर चला रही हूँ कहीं लग ना जाए इस वजह से, क्योंकि उपमा बनाने के लिए सूजी को रोस्ट करना ज़रूरी होता है, और सूजी रोस्ट करने के लिए जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाए तब तक चलाते रहते हैं, और अगर नहीं चलाएंगे तो लगने के चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि वो लगे ना, और मेरी यहाँ पर सूजी रोस्ट हो गई है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें रखा सरसों का तेल, और सरसों का तेल रखने के बाद मैंने गैस थोड़ी तेज कर दी है ताकि वो तेल हो जाए गरम, और तेल हो गया है मेरे, यहाँ पर मैंने डाल दिया रई।
अभी रई डाल दी है मैंने इसमें, और अब मैंने डाली है इसमें हींग, इसके बाद हल्दी मिर्च, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और मिर्च। तो थोड़ा सा मैं इसको चला लूँगी ताकि ये गल जाए। अब मैं नमक डाल दिया, नमक से कोई भी चीज़ जल्दी गलानी हो तो नमक का यूज़ करते हैं, तो नमक मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने गैस कर ली है थोड़ी सी ज़्यादा ताकि वो जल्दी से गल जाए टमाटर, और मैं इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। और गैस मैंने एकदम फुल कर दी है। मैंने डाल दी इसमें सूजी, इसको मैं मिला लूँगी। मैंने 1 कप सूजी का यूज़ करा है, तो मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ। आप जितनी भी कप सूजी का यूज़ करें उससे डबल पानी का यूज़ करें। और अब मैं इसको ढक दूँगी इसकी इसकी साइज़ की प्लेट के साथ। तो मैंने ये ढक दी है और इसे 2 मिनट तक मैंने रख दिया और चला दिया था। मैंने डाल दिया इसमें मूंगफली, और ये हो चुका है मेरा उपमा तैयार। इसको मिला लूँगी और मैं इसे सेप दे दूँगी कटोरी की हेल्प से। तो ये मेरा उपमा बन गया है आज के दोपहर के लंच के लिए। तो गाइस फाइनली मेरा उपमा बन गया है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये वीडियो और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो गाइस बाय, लव यू ऑल, बाय।